फारूक डार कौन था? फारूक डार एक कातिल था। क्या वाकई ही वो एक बंदा 30,000 रुपए में मारता था? फारूक डार को जिस लोकेशन से ट्रेस किया गया उसकी ऑडियो मेरे पास है। अंडरवर्ल्ड को कोई नहीं छेड़ता। क्या कोई इतना भार उठा सकता है जितना मैं उठा रहा हूँ? एक बंदा इस शहर के दरो दीवार हिला दे, क्या मैं ना बोलूं? मैं करूंगा हर पुलिस मुकाबले पे बात। फॉरवर्ड चेयरमैन है, फॉरवर्ड नॉन चेयरमैन है, एसएसपी सीआईए आसम इफ्तार कंबो, कैसर मुश्ताक, मजर इकबाल इंस्पेक्टर और फारूक असगर अवान। रेडिंग टीम ने रेड हैंडेड इसको पकड़ा, आगे से पुलिस वालों पर फायरिंग हुई जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। ये सारा वाकया मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरा ये प्रोग्राम फारूक डार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला से आप सब की और आपके अहल अयाल की खैरियत मतलूब हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी आपको रखा होगा अपने फिजामान में रखा होगा। नाजरीन, मैंने आज एक प्रोग्राम शुरू किया है, इसका नाम बाकायदा तौर पर मैंने जो है अंडरवर्ल्ड रखा है, और आज इसकी पहली जो है इसके इस नाम से मैं जो आज पहला प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मैंने एक पुलिस मुकाबला जो कि फारूक डार नामी लड़के का पुलिस के साथ हुआ और इस मुकाबले में वो हलाक हो गया है, मैंने इस मुकाबले के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और खुफिया तौर पर सारी मालूमात इकट्ठी की जो किसी भी चैनल पे किसी भी रिपोर्टर के पास जो मालूमात नहीं होगी वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले एक लड़का मिठा गाड़ी जो है वो पुलिस मुकाबले में वो उसको हलाक किया गया, तो मैंने आप सब नाज़रीन को एक वीडियो वायरल की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि इतने मिनट और इतने सेकंड पे ये पुलिस मुकाबला हुआ है। अब चूंकि मैं प्रोग्राम क्राइम के हवाले से कर रहा हूँ, आपको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पुलिस मुकाबले में लोग मारे जाते हैं इनके पीछे क्या ऐसी सूरत हाल होती है कि पुलिस वाले इनको जिंदा गिरफ्तार करने का रिस्क ही नहीं लेते। बारह दफ़ा ये बातें आपको बता चुका हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है ये मस्बत होता है, नेशन को जो है एक ऐसी मैं सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ जिससे हमारा नौजवान हमारा यूथ जो है वो इन चीज़ों से ना वाकिफ। मैंने मिठा गाड़ी की रिपोर्ट आपको जो है पुलिस मुकाबले की वो आपसे शेयर की, और इसमें कतई तौर पे ये बात नहीं थी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्राइम की सबसे पहले ख़बर मेरे पास आती है। मैंने ना तो उसके बाद कोई प्रोग्राम किसी में मैंने ये कहा है कि जी सबसे पहले ख़बर मैंने ब्रेक की, हालाँकि आप सबको ये पता है कि ये ख़बर मैंने ब्रेक की। मैं जब इस पुलिस मुकाबले के बारे में हालात जानने के लिए मैंने अपने ज़राए को इस्तेमाल किया तो मेरे सामने 26 जुलाई को रात 2:15 बजे के करीब एक पुलिस मुकाबला जो कोट लखपत के इलाके में फारूक डार नामी शख्स का हुआ है, तो मुझे उसके बारे में भी जो है ना काफ़ी सारी बातें जो किसी भी रिपोर्टर के पास पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल पर किसी के पास नहीं होंगी। मैंने जब ये जाना ना कि हमारी पुलिस ने जो है ये पुलिस मुकाबला फारूक डार नामी शख्स का जो कि एक उजरती कातिल था, और आप सब ये बात सुन के बड़े हैरान होंगे कि ये फी कत्ल जो है 30,000 रुपये एक नामालूम शख्स को मारने की कीमत वसूल करता था। ये शूटर जो था इसको ये पता होता था कि मैं जिस शख्स को टारगेट करने जा रहा हूँ वो मुझे नहीं जानता, तो इसलिए इसका एज होता था इसको, इसलिए ये 30,000 रुपये के मुआवजा को लेकर बंदों को कत्ल करने के लिए उनके सर पे मौत का फरिश्ता बन के पहुँच जाता था, और ये अपने जो मकासद थे जो पैसे लिए होते थे उनको हलाल करने में उस बंदे की कुर्बानी देने में ज़रा भर भी दरेग नहीं करता था। मैंने इस पुलिस मुकाबले के बारे में ऐसा क्लू निकालने की कोशिश की कि मैं आपके सामने कोई ऐसे हालातों वाक़ात रखूँगा जिससे मैं साबित कर सकूँगा ये पुलिस का मुकाबला जैली बोगस झूठा और प्लांटेड है। मैंने जब इसके ऊपर सारे हालातों वाक़यात का जायज़ा लिया और मैंने खुद ज़ाती तौर पर अपने सोर्स को इस्तेमाल कर इसकी तह तक पहुंचा, तो सबसे पहले मैं फारूक डार की ज़िंदगी आपके सामने शेयर करता हूं। ये लड़का जो था तूरा वाली एक जगह है, उसे चंडा चौक है जो चूंग बाज़ार के साथ ही कहीं पर यह जगह है, वहाँ का ये रहायशी था। इस लड़के का जो दादा था उसका नाम फिरोज़ था, वो गुंडा के नाम से मशहूर था, और अभी तक लोग जो है उस इलाके में फिरोज़ गुंडा के नाम से उस घर को जानते हैं जहाँ पर यह लड़का जो है फारूक डार ये वहाँ पर पैदा होता है। इसका बाप जो था वो एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर था, उसका नाम याया था, और ये हमारे लाहौर के बहुत बड़े दुश्मनदार हैं टीपू ट्रकों वाला, उनके जो चचा हैं भई पहलवान उनके पास रिक्शा ड्राइवर था, और उनके जो छोटे मोटे काम होते थे वो करने के लिए रिक्शा अपना इस्तेमाल करता था। कुछ लोग ये बताते हैं कि भई पहलवान जब दुश्मनी जोरों पर थी, टीपू ट्रकों वाले के कातिलों का पता नहीं लगता था, तो इस शख्स को जो है बाकायदा तौर पर उस इलाके में रायकी के लिए भेज दिया जाता था। भई पहलवान पर कोई ऐसा जो है इल्ज़ाम नहीं कि उस शख्स ने किसी के पैसे दे के तो किसी उजरती कातिल से अपना कोई मुहालफ कत्ल करवाया हो। अब सबसे पहले अंदरीन हालात मैंने आपके सामने रखे हैं कि यह शख्स जो था
ये इतना को पावरफुल था, इतना को डेंजरस था कि अंडरवर्ल्ड के अंदर इस बंदे के नाम से जो है ना लोग थर थर कांपते थे। इसके चेहरे से कोई वाकफ नहीं था। इसकी ये जो तस्वीर आप पर्दे स्क्रीन पर चलती देख रहे हैं, ये तस्वीर भी मैंने ज़राए से हासिल की है और ये अब सोशल मीडिया पे आम हो चुकी है। और इसके अलावा जो वीडियोस, जो ऑडियो मैं आपके सामने पेश करने लगा, मेरा चैलेंज ये किसी के पास ये प्रूफ और ये सबूत नहीं होंगे। कोई भी पुलिस मुकाबला है, इसके असल और जैली होने का जो है ना वो सबसे पहला सबूत ये होता है कि जो सबूत मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ ये आपको साबित करेगा कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने इसको जो है किसी जगह से सोए हुए गिरफ्तार कर लिया या पुलिस वालों ने जो है इसको किसी जगह से जो है ना पकड़ के गिरफ्तार किया है, हबसे बजा में रखा और उसके बाद प्लांटेड किस्म का इसका पुलिस मुकाबला दर्ज कर दिया है। ये रिकॉर्डिंग जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये रिकॉर्डिंग उस लड़के की जिसका नाम फारूक डार था और इसको पुलिस के मुकाबले के अंदर, इनकाउंटर के अंदर, ये बिल्कुल असली और सच्चा पुलिस मुकाबला है। आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही जी? आ रही है। हाँ जी हुक्म करो। मैं कह रहा वा जिन्ह ने तुहानू कहा है ना 2500 यार पता की गल है, तू मेरा भरा वे, मेनू सिग्नल मनु दे दियो। समान खरीदो तू जरूर अपना अपना फरूक भाई ना आवाज आ रही जे? हेलो या ते तुसी ना तुसी मैनू याद है 8 महीने पहले भी फोन किया सी कि यार असी इत्थे काम करांगे, इंटरनेट दा करांगे, नहीं ते साडा नाम मुकला या इंज कर ला या फलाना कर ला या टमकाना कर ला। मैं तुहानू कहा भाए ना आके काम करो, अल्लाह ताला तुहानू रोटी देन, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़क च इजाफा करन। या ते तुहानू अज तक किसे तुहाडे बंदे वल्लों शिकायत आई होए कि यार साडी कोई तार छेड़ देंदा या कोई साडी साडी ला के जाने पिछो तार खराब कर देंदा है कदी तुहानू किसे? वेखो कोई तुहाडे इत्थे मुंडे तारां पांदे ही पे सी ना, वर्क इत्थे करदे ही पे सी ना, किसे ने तुहानू अज तक क्लेम कीता होए कि यार उमर ने सानू इंज कीता है या उमर सानू इंज कह रहा? मैनू ते अल्लाह दी कसम है जिंदगी चो जिथे मिले ने ना, जिंदगी च जिथे भी वह मिले ने उन्हां नू मैं बोतल पियाई है, चाह पियाई है, रोटी तक खवाई है, जिथे तक मेरी औकात है, जिथे तक मैनू समझ है, ते आके यार आके रोटी कमाओ, अपना बिजनेस करो। तो उन्होंने मेरा इलाका मेरे ख्याल से सारा छान भी लिता होना, तो वेख भी लिता होना, तो मैं तो तुहानू कम दे विच कोई हर्ज नहीं पाया कि यार तुसी इत्थे कम ना करो, तुसी ते अपना कम किया इत्थे, अपनी मेहनत की जो भी तुहाडे को हो सकिया तुसी कीता, मेरे वालों जिंदगी कोई रुकावट नहीं, तो ना मैं कभी सोचिया किसी अगे मैं रुकावट पावा। तो हूँ मेरा भरा जायद जायद मेरे नाल कर ला, मेरे नाल चार पांच मुंडे भी ने जिहड़े काम करदे पे ने, या तो है ना 1200 कनैक्शन है तो सारे ही मैं खाना पिया वा, तो मैनू समझ भी आवे। इस महीने ना मैं 86,000 रुपया खाली बत्ती का बिल भेजे, मैनू कहना तो मैं तेनों ना फोटो सेंड कर देना, 86,000 रुपया 1200 कनैक्शन तो मैनू नज़र आ रहा फरूक डार को हैगा वे, पर फरूक डार दे नाल जिहड़े खर्चे ने ना वो मैनू नहीं ना नज़र आते पे। तो हुण गोगी आइया, मैं गड्डी च बैठा वा, मून स्कूल दे बाहर गड्डी च बैठा वा, आइया आइया आइया। हैलो विच फोन आ गया सी, विच फोन आ गया सी, एक
तो 1200 कनेक्शन ते मैनू नजर आ रहे अगर फरूक को लेगा वे पर फरूक नाल जिहड़े चार बंदे काम करदे पे ने बत्ती दा बिल आउंदे अपने घर दा खर्चा फिर टुट भाजो मैनू नहीं ना नजर आती पी तो दसण वाले वो नहीं ना दसदे पे मैनू तो हुण तू मेरा भरा वे शहजादे तो लड़के तो अल्लाह ताला माफ करन ना कोई मैनू फायदा तो ना कोई तैनू फायदा है तो ना मैं डर के कोई ना मैं कोई डर के गल करनी है डर के मैं गल करनी होंगी मैं 6 महीने पहले ही कहता भाई इतने तारा ना पाओ तो इंज ना करो तो उंज ना करो हर बंदे का हक हैगा रोटी कमाना मेहनत करना तो हुण मेरा भरा मेरे नाल जायज़ जायज़ कर ला कि जिहड़ी मैनू सारी जिंदगी है एक दो महीने का काम नहीं ना है सारी जिंदगी का काम है मरण तो बाद का भी काम है तो जिंद जी मैनू भी ना दुखे तो मेरे भरा नू भी ना दुखे मेरी गल भी सुन ली ना मेरी गल सुने बगैर फोन ना ना बंद करी यार जिहड़ी गल हुंदी पई उह ते पूरी कर लई ना मिल भी लांगे रोटी भी खावांगे ते जिहड़ी गल है ना जिहड़ी गल तुसीं मैनूं कल परसों भी कीती है हैलो अच्छा मैं घरे फोन बंद हो गया जिहड़ी गल तुसीं मैनूं कल परसों भी कीती है ना पता नहीं मैं पहले 50 मारे ने पता नहीं मेरे ते पहले 50 पे ने इक तू भी आई जांगा ते मैनू फर्क नहीं पैंदा पता नहीं की इहो जी कोई गल कीती सी ते जे मेरी यार बस ठीक हो मैं यार हुण मेरी गल सुनदा ही नहीं पिया इंज ते ना ना कर हुण तुहाडे नाल की होणा जे वक्त तुहानूं दसेगा ठीक है ना ते इह पैसा सारा इत्थे ही खाई जाणा इत्थे ही लोकां ने खाणा है सही है इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो लड़का केबल वाला अपना नाम जाहिर कर रहा है ये लड़का जो है ये उस लड़के से फारूक डार से बात करता है और पुलिस की रेडिंग पार्टी जो के आसम इफ्तार कंबो एसएसपी सीआईए कैसर मुश्ताक डीएसपी सीआईए और मजर इकबाल इंस्पेक्टर सीआईए और फारूक असगर अवान इंस्पेक्टर सीआईए पर मुश्तमिल थी ये तमाम लोग उस इन्फॉर्मर के पास खड़े हैं और उससे एक कॉल रिसीव करवाते हैं जो कॉल के फरूक नाम के शूटर की थी। ये फरूक नाम के जो शूटर की कॉल आ रही थी आप इसका नंबर चेक कर लें ये नंबर इंग्लैंड का था। इंग्लैंड के व्हाट्सएप वाले नंबर से ये लड़का मुहालफिन से बातें करता था उनसे भत्ता वसूल करता था उनको टारगेट किलिंग करने के लिए उनसे रब्ता करता था और किसी भी तरीके से मौत का फरिश्ता बनकर उनके सर पर पहुँचता था और उनको हलाक कर देता था। इस लड़के ने कम अज कम 50 से 70 मर्डर सुपारियां लेकर किए हुए थे और यह बकायदा तौर पर टारगेट किलर था। इसका बाप जो था वो भी इसी तरह लोगों की राय की और उनके थड़े देता था और इसका दादा जो था वो रस्सागीर वो यानी कि जेब तराशों का थामू और फिरोज गुंडे के नाम से उस इलाके में आज भी मशहूर है। आप ये देखें कि 30,000 रुपया इंसान के कत्ल की कीमत नहीं जब पुलिस की रेडिंग पार्टी ने जो आसम इफ्तार कंबो एसएसपी सीआईए की उनके साथ मुआवनत करके जो रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई उसमें कैसर मुश्ताक महकमा पुलिस के बहुत मंझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने प्लान के मुताबिक एक बंदे को हायर किया जिससे वो पैसे मांग रहा था उसके केबल से फटा चल रहा था उसकी कॉल करवाई और उस कॉल के बाद उसको ट्रेस करने के लिए मुझे इस रिकॉर्डिंग से ये साबित हो रहा है कि जब पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए गए हैं तो कॉल का ड्यूरेशन कॉल का जो है ना उसका जो है उसको लंबा कर रहे हैं ताकि ये एट ए टाइम लोकेशन लेकर लोकेटर और जो है अमदादी जो पुलिस के साथ दूसरी टीमें हैं उनकी मामनत से जो है ना उसको कातिल के ऊपर पहुँच जाएँ। मुझे एक पुलिस के कांस्टेबल ने ये बात भी बताई आपको बताया ये बातें उन्हीं से निकलती हैं ये बातें प्राइवेटली तौर पे तो ना किसी पुलिस वाले ने मानना है और ना किसी पुलिस वाले ने इस तरह ये बात करनी है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने हालातों वाकयात को मद्देनजर रखकर इस कत्ल और पुलिस मुकाबले को जिसको कि लोग जाली समझ रहे हैं मैं असल हालात आपके सामने रख लेंगे फैसला आप कीजिएगा।
अब ये रिकॉर्डिंग साबित कर रही है कोई बंदा उसकी रिकॉर्डिंग उसकी बातों को लटका रहा है। अब क्या होता है कि इसकी मुखबरी ये होती है कि ये बंदा फलां जगह पर है, और आपको पता पुलिस वाले ऐसे केसेस पे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जो बंदा 30,000 रुपये के लिए गोली चला सकता है वो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या कर देगा। पुलिस वाले कच्चा हाथ नहीं डालते, खास करके CIA जो है वो, उनके अगर पुलिस अफसर अच्छी प्लानिंग कर ले तो मेरा ख्याल है कई मुलजमान जिंदा गिरफ्तार हो जाते हैं। अब इसको जिंदा गिरफ्तार करना मौत को हाल लगाने से कम नहीं था। अब लोकेटर की मदद से वो लोकेशन भी जिस जगह की आ रही है और उसकी कॉल को जो है ट्रेस कर रहे हैं, व्हाट्सअप गैर महफूज जो है, ये भी अभी आप मेरी बात को समझ लीजिएगा कि कोई बंदा ये समझेगा व्हाट्सएप पे कॉल करके ट्रेसिंग हो तो व्हाट्सएप का जो किसी भी आपका जो है वाईफाई से वो चल रहा है तो वहाँ से आप ट्रेस हो जाते हैं। पुलिस इसको ट्रेस करके जब कोट लखपत के इलाके में पहुंचती है तो ये पता लग जाता है कि ये बंदा लोकेटर 00 की लोकेशन दे देता है, और जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने लगती है तो आगे से क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है और पुलिस जो है इसके ऊपर बेदरेग फायरिंग करती है, जिसके नतीजे में ये हलाक हो जाता है। नाजरीन, ये पुलिस मुकाबला जो है ये 110% जेन्युइन है। अब आप पूछे कैसे, उसकी वजह यह है कि ये पुलिस मुकाबला इसलिए जेन्युइन है कि वो पुलिस चूंकि उसको एट ए टाइम उसके ऊपर पहुंचना चाह रही है, और ये जिस इलाके की लोकेशन पुलिस ने CDR ली है ये सेम कोट लखपत के इलाके से फोन ऑन था। अब पुलिस मुकाबला भी वहां का है तो ये इतनी मस्बत और इतनी जबरदस्त प्लानिंग पुलिस नहीं कर सकती। उस टाइम पर अफरा तफरी होती है, पुलिस वाले कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से ये काबू आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने जिस पुलिस मुकाबले की स्टोरी रख रहा हूं, मैंने ये तमाम तर लोकेशन और जो चीजें ली हैं वो सब चीजें ये साबित करती हैं कि ये मुकाबला बिल्कुल उसी प्लेस ऑफ अग्रन से हुआ है जहां से ये कॉल आ रही थी। मैं स्पेशली जो है ना SSP जो है CIA आसम इफ्तार कंबो, मैं उनकी कारकर्दगी को सराहता हूं। मैं जो कैसर मुश्ताक DSP CIA हैं, मैं उनकी इस बात पे हैरान हूं कि उन्होंने पुलिस अफसरान को ये बात, जिस वक्त पुलिस इसके ऊपर रेड करने गई है ना, तो नाजरीन आप यकीन करें कांस्टेबल ये बात बताते हैं कैसर मुश्ताक साहब ने पुलिस अफसरान को ये कहा था कि अगर आगे से ये जरा सी भी मजम्मत करे तो कतई तौर पर चांस नहीं लेना, आपने क्रॉस रख के मुकाबला करना है, और अगर इसको जिंदा पकड़ना जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है ना एक बहुत ज्यादा यानी 100 से ऊपर कत्ल जो है इसे मिल सकते हैं, तो हमारे लिए कोशिश पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर ये गिरफ्तार ना हो तो हमारे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, और अगर ये पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने की कोशिश करे तो इसका किला कुमा कर देना। अब आप ये देखें कि ये शूटर कितना खतरनाक था कि ये एक आम आदमी बनकर किसी का जेली लाइसेंस लेके उसका नंबर पिस्टल पे लगा के ये अपने डब में लगा के जेब पॉकेट के साथ तो ये जो है मोटरसाइकिल पे जा रहा है, और इसे जेब में पैसे भी कोई नहीं रखता था कि कोई पुलिस वाला मुझे नाके पे पकड़ ले तो ये ना समझे कि मेरे पास ये 50,000 लाख रुपया कहाँ से आया। आप किसी बंदे को चूम के मेन बाजार से पूछ लें, धूरा वाली मस्जिद के नजदीक से लोग आपको बताएंगे, इसके दाता को जो लोग है फिरोज गुंडा के नाम से जानते हैं, इसका बाप जो था उसको लोग जाया रक्षे वाला कहते हैं, जो भाई पहलवान के पास काम करता था, वो चूंकि दुश्मनदार थे वो अपने दुश्मनों की रायकी और उनके लेने के लिए पुलिस की मामलत के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, और ये बड़ा उनका जबरदस्त किस्म का मुखबर था, इन्फॉर्मेशन करेक्ट देता था और उनसे इनामात और उनसे जो है वो चीजें हासिल करता था, अपने इलीगल बेनिफिट्स उनसे ज्यादा पैसे लेता था और उसकी जिंदगी इस तरह से चल रही थी, बेटा तो उसी का था। ये जो फारूक डार है, सुनने में यह आया है कि ये पंजाब बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वहां पे मामूली सा को क्लर्क भी था, यह आज से 10-12 साल पहले की बात है। फिर जब इसे देखा गया कत्ल करने का 30,000 रुपया, तो इसकी पहली ये कोशिश होती थी कि मैं जिस जगह पर भी वकुआ करने जाऊं वहां पे 5 से 10 बंदे मर जाएं ताकि 30 × 5 मुझे 1.5-2 लाख रुपये मिल जाए, 5 अफराद की मौत की कीमत। ये वो बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये सब बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों की कहानी को ओपन करना अंडरवर्ल्ड को छेड़ने के मुतरातिफ है, और मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं। मैं आपको कोई भी अगर सोर्स से मुझे ये बात पता लगी कि ये बंदा किसके लिए काम करता था, ये बंदा किसके अंडर हैंड काम करता था और किससे पैसे लेता और किसके कहने पे ये सब लोगों को मौत के घाट में उतारता था, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं आपको पता है कि अगर पुलिस जाली पुलिस मुकाबला करेगी तो सबसे पहले ब्रेक आपको मैं खबर करूंगा। कोई अखबार जो है इन लोगों ने अपने पुलिस अफसरान से काम लेने होते हैं, अपने इलीगल बेनिफिट्स लोगों को चुड़ाना पकड़वाना होता है, तो इनको अपने मकासद होते हैं, मेरा पुलिस से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं। अगर पुलिस जाली पुलिस मुकाबला करेगी मैं आपसे बात करूंगा, अगर पुलिस ठीक और बिल्कुल हालातों वाकयात के मुताबिक पुलिस मुकाबला करेगी तो मैं सारे वाकयात आपके सामने रखूंगा। मुझे ये रिकॉर्डिंग असूलन आपको शो नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि डेफिनेटली ये जो लड़का है अब अंडरवर्ल्ड सारा इसके पीछे पड़ जाएगा, और मैं पुलिस वालों से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने हालातों वाकया जो है आप आवाम के सामने रखने के लिए सारा रिस्क लिया है। पुलिस वालों की अवलीन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो इस लड़के को अब तहफ्फुज फ्राहम करें, वगरना ये लड़का जिसकी ऑडियो मैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में शो कर गया हूं, इसका कोई ना कोई नुकसान अंडरवर्ल्ड कर देगा। ये शख्स अंडरवर्ल्ड के लिए इतना कीमती था
कि ये बंदा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि रोहड़ी के इलाके में इस बंदे ने किसी डेरे के ऊपर जाकर 5-7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। सिंध में ये रहता था, वहाँ पर ये मफरूरी काटता था और एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर के घर होने वाली हौलनाक फायरिंग में भी ये मरकजी मुल्ज़िम था। ये सारी चीज़ें, ये सारे वाकया जो है मेरी नज़र में आए और मैंने इन पर बड़ी स्टडी की। मैंने इन पर देखा ना, ये आज 10 से 12 दिन पहले का ये वाकया है और मैंने सारे जो वाकयात हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। मुझे किसी का कोई डर नहीं। अगर पुलिस इस मुकाबले में मदर इकबाल, फरूक असगरवान, DSP कैसर मुश्ताक और आसिम इफ्तार कंबो SSP किसी भी किस्म की मैला फैटी होती तो आप लोगों को सच बताने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं डरना था, क्योंकि ये पुलिस मुकाबला मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल जेन्युइन है। तो अगर ये पुलिस मुकाबला जेन्युइन है और ये बंदा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, तो क्या इस बंदे को मौत इतनी मिलनी चाहिए थी? जो लोगों में 30,000 रुपए के लिए मौत बांटता था, कितना बड़ा जुर्म है कि इस एक इंसान की नाजायज जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो क्या इस बंदे को खुदा याद नहीं था? खुदा ने वाज़ह लफ्ज़ों में ये कहा हुआ है कि किसी भी अफराद को कत्ल करने से इज्तनाब करो, क्योंकि तारीख ये कहती है कातिल हमेशा कत्ल होता है, ख्वाब वो दुश्मन की गोली से हो, ख्वाब वो अपने पलने वाले जिनको वो पालता है वो उनकी गोली से मरे, ख्वाब उसकी अंधी गोली पुलिस की जो है उसका उसकी मौत का सबब बने, कातिल हमेशा कत्ल होता है। और इतने थोड़े पैसों के लिए मौत बांटना ये कहाँ का असूल है? मुझे ये बताओ, अगर ये आदमी जो थोड़े थोड़े पैसे लेके लोगों पे अटैक करता और उनको मौत के घाट उतार देता था, अगर मैंने इसको तो मुझे गोली मरवा देना भाई। देखे ना, अगर एक बंदा जेन्युइन कातिल है, इस तरह का शूटर है, तो आप लोग उसको क्या कहोगे? फिर आप लोग कहते हैं चोई साहब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। यार मैं क्यों ना करूं? मेरे ऊपर किसी ने गन रखी है कि तुम्हें गोली मार देंगे, ये ना कहना। मेरे तो जो दिल में है, जो हकीकत है, वो आप लोगों को बताता ताकि आपके बच्चे बच जाएं और वो ये ना समझें कि 30,000 रुपये कीमत लेके हम एक बंदे को मार देंगे, शो नहीं होगा। इश्क, मुश्क और कत्ल कभी नहीं छुपते, ये मेरी बात आज याद रखिएगा। अब नाजरीन, चूंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि ये जो मिठा गाड़ी के नाम से जो लड़का है, मैं इसके कत्ल में मैं सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर चुका हूँ और मैं खास करके SPCIA, DSPCIA, इंस्पेक्टर मजर इकबाल और इंस्पेक्टर फारूक असगरवान, जिनकी मुदयत में ये पुलिस मुकाबले की कोर्ट लखपत के इलाके में FIR दर्ज हुई है, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मिशन को जारी और सारी रखें। पुलिस वाले अगर कोई भी पुलिस मुकाबला जैली करेंगे तो मैं आपसे कोई भी हालातों वाकयात नहीं छुपाऊंगा। आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता मैं वहाँ तक जाता हूँ। मेरे प्रोग्राम्स जो हैं पर बोल्डिंग पॉइंट पर जाके तोप के मुंह में बैठ के मैं आपके लिए प्रोग्राम करता हूं, और अगर आपको मेरी की हुई बातों से आप इत्तफाक करते हो और महकमे पुलिस के SSP CIA आसम इफ्तार कंबो और DSP CIA मुश्ताक के अगर आप इस इकदाम को और इनकी रेडिंग पार्टी को आप सराहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके नाम लेके इनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि लाहौर शहर में बहुत बड़े बड़े ताजरों के सर से मौत का साया टल गया। अभी मिठा गाड़ी जो है इसकी जिंदगी के ऊपर और इसके पुलिस मुकाबले के मुतल्लिक, क्योंकि अभी तक मेरी नज़र में ये पुलिस मुकाबला क्लियर नहीं हो सका, इसलिए मैं इस स्टोरी को आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं इस पुलिस मुकाबले के बारे में तमाम हालातों वाकयात को पूर्ण नतार नहीं लूंगा तो मैं कोई बात आपसे शेयर नहीं करूंगा। प्रोग्राम अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि मैं इज्जत की मौत दुनिया से जाऊं और लोग मुझे क्रिमिनल कहकर नहीं, मुझे क्राइम फाइटर कह के, जिस तरह बहुत बड़े बड़े कानून की मदद करने वाले लोगों के नाम दुनिया लेती है जिन्होंने जान जोखों में डालकर अमदादी पुलिस का किरदार अदा किया और शहर में अमन होने के लिए अपनी काविशें जो है ना बर्बेकार लाई। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।